सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। अब देखिए, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो पैसों की रिक्वायरमेंट तो जरूर पड़ जाती है, हर बिजनेस में चाहिए होती है। एज एन इंडिविजुअल भी हम लोगों को पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो कैश क्रेडिट एक ऐसी फैसिलिटी है जो खाली बिजनेसेस यूज कर सकते हैं, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसेस एज वेल एज इंडिविजुअल्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब ये किस तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, चाहे बिजनेसेस की या इंडिविजुअल्स की बात करें हम, दोनों में क्या फर्क है? काफी लोग सोचते हैं कि कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज हैं। तो कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या फर्क है एग्जैक्टली, क्या इंटरेस्ट रेट्स में फर्क होता है, किस तरीके के लोन्स मिलते हैं कैश क्रेडिट के अंदर और किस तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट के अंदर, इन सारी बातों को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा की तरह बने रहिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट आखिर होता क्या है। कैश क्रेडिट की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो जनरली कंपनीज को या बिजनेसेस को प्रोवाइड किया जाता है उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है, मान लीजिए आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, तो वो एक आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद आपको स्टॉक्स मेंटेन करने के लिए कुछ टाइम पीरियड लग सकता है, तब तक आपको अपने खर्चे चलाने होंगे, उसके लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। आपके रिसीवेबल्स हो सकते हैं। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको अगर रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो एक तो वहां उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, उसके बाद वो इमीडिएटली तो बिक नहीं जाएगा माल, उसको पहले वो प्रोसेस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, राइट? तो उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे। तो जब भी रॉ मटेरियल आपका थोड़े टाइम तक वेयर हाउसेज में पड़ा रहेगा, तो लेट से वो एक साइकिल होती है, 10 दिन की साइकिल है मान लीजिए वो, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस से आपकी फिनिश गुड्स में जाएगी। तो इस तरीके के जब तक आपके पैनल्स बनेंगे तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, वो भी 10 दिन का पकड़ लेते हैं। फिनिश गुड्स से लेके आपके इमीडिएटली तो बिक नहीं जाएंगे जितने भी पैनल्स हैं, तो उसका भी एक साइकिल है। मान लेते हैं कि 15 दिन के अंदर आपका माल बिकता है, कस्टमर्स तक पहुंचता है, राइट? तो कस्टमर्स के लिए ये जो मार्केटिंग का टाइम है ये हम 15 दिन पकड़ लेते हैं, ये सारे में हम एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं, राइट? ये वेरी भी कर सकता है, बट अगर हम एक कंपनी की बात करें तो हर चीज का एक एवरेज टाइम होता है। हो सकता है जितने भी आपके कस्टमर्स हों वो भी आपको करीब 15 दिन के अंदर पैसे दें, तो 15, 15, 30 और ये 20, ये टोटल मिला के आपकी 50 दिन की साइकिल हो जाती है। इसे हम कैश साइकिल भी बोलते हैं या फिर हम वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोलते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए अब ये 50 दिन का जो भी पैसा है आपके कंपनी में या फैक्ट्री में तो खर्च हो ही रहा है, जितने भी आप स्टाफ की पेमेंट कर रहे हैं, रेंट वगैरह जा रहा है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं कैश साइकिल, और इसको मैनेज करने के लिए आपको लोन मिल जाता है। तो इस कैश साइकिल को मैनेज करने के लिए या तो ओनर अपने पास से पैसा डाले या दूसरा ऑप्शन होता है बैंक का, राइट? अब अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो उसे हम कैश क्रेडिट कह देते हैं, और कैश साइकिल को मेंटेन करने के लिए आपको कैश क्रेडिट मिल जाता है। तो हर बैंक आपकी एक कैश क्रेडिट की लिमिट साइन कर देता है, तो आप उतना पैसा निकाल सकते हैं हर दिन, हर महीने, जितना भी आप चाहें, एक रनिंग अकाउंट मिल जाता है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो ये हो गई कैश क्रेडिट की बात। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। तो ओवरड्राफ्ट होता है बेसिकली एक तरीके का अकाउंट के ऊपर आपको पैसा मिल जाता है। मान लीजिए आपका एक करंट अकाउंट है। अब ओवरड्राफ्ट दो तरीके के होते हैं, मैं दोनों समझा देता हूं आपको। आपका मान लीजिए एक बैंक के अंदर एक करंट अकाउंट है आपके बिजनेस का, उसमें मान लीजिए आपका एवरेज बैलेंस 2 लाख का होता है, तो बैंक कहता है कि आपकी रिलेशनशिप काफी अच्छी है, आप एवरेज बैलेंस भी अच्छा मेंटेन करते हैं, तो बैंक कहता है कि अगर आप चाहें तो आप ये अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं, कभी भी आपको इमीडिएटली कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हम आपके लिए 50,000 की एक एक्स्ट्रा लिमिट दे देते हैं, राइट? तो इसी लिमिट को, ये जो एक्स्ट्रा लिमिट होती है, इसे को ही हम ओवरड्राफ्ट लिमिट कहते हैं, राइट? तो ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट के अंदर मिल जाती है। आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है ये कि बैंक के साथ आपका एवरेज बैलेंस कितना है और रिलेशनशिप कैसी है। दूसरा ओवरड्राफ्ट होता है, मान लीजिए आपकी कोई FD है या LIC पॉलिसी है, किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिल जाता है। तो इस तरीके के लोन को भी हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो एक ओवरड्राफ्ट हो गया आपका करंट अकाउंट के ऊपर, दूसरा होता है आपका
किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो इसको हम कह देते हैं सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट, राइट। ये हो गया आपका सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट, और ये जो पहले वाले की मैंने बात करी ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट, या फिर इसे हम क्लीन ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, राइट। तो ये दो तरीके के ओवरड्राफ्ट होते हैं। अब देखिए दोनों में फर्क है, कैश क्रेडिट तो आपको खाली वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए मिल रही है, ओवरड्राफ्ट आपको किसी भी और पर्पज के लिए मिल जाता है आपका, चाहे कोई पर्सनल पर्पज है। अब मान लीजिए ये जो FD या LIC है, ये इंडिविजुअल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल कुछ पैसा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी मैंने काफी डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे लोन अगेंस्ट FD वाले वीडियोस देख सकते हैं, लोन अगेंस्ट LIC, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप वीडियोस मेरे देख सकते हैं कि वो वाले लोन कैसे मिलते हैं और क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके ऑड डिफरेंसेस के बारे में। तो कैश क्रेडिट आपका एक तरीके का सिक्योर्ड लोन है, ये करंट एसेट्स जितने भी होते हैं आपके, ये जो इन्वेंट्री है आपकी, चाहे ये आपके रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे आपके फिनिश गुड्स हो, इन्हें हम इन्वेंट्री कहते हैं। और रिसीवेबल्स जो है आपका, अगर कस्टमर से पैसा टाइम पे नहीं आता है तो उसे हम रिसीवेबल्स कहते हैं, तो वो एक तरीके का क्रेडिट है। तो इसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है, ये जो कैश क्रेडिट है ये एक तरीके का लोन है। अब ये अगर मान लीजिए डिफॉल्ट होता है आपका, तो ये जो स्टॉक है आपका इसको सेल करके बैंक अपनी रिकवरी कर सकता है या रिसीवेबल्स से अपनी रिकवरी कर सकता है। ओवरड्राफ्ट बेसिकली दो तरीके का होता है, हमने दोनों की बात कर ली। जैसे ये अनसिक्योर्ड है क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर आप बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, राइट। तो ये खाली आपकी रिलेशनशिप के बेसिस पे मिल रहा है आपको ओवरड्राफ्ट। दूसरा तरीका हो गया आपका ये सिक्योर्ड लोन, जो आपका FD, LIC पॉलिसीज हो गई, कोई म्यूचुअल फंड हो गया, या और भी कोई आपकी सिक्योरिटी है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। फिर अकाउंट किस तरीके का होता है, आपको कैश क्रेडिट के अंदर अलग ही एक कैश क्रेडिट का अकाउंट खुलता है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये एक तरीके का रनिंग अकाउंट होता है। और इस अकाउंट के अंदर आपको एक चेकबुक इशू हो जाती है, आप चेकबुक से कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, और जब भी आपके पास पैसे आते हैं, आपकी कैश साइकिल कंप्लीट होती है, तो आप पैसा वापस डाल सकते हैं, और उसके ऊपर आपको बेसिकली इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, जितने भी दिन के लिए आपने वो पैसा लिया उतने दिन का आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। ओवरड्राफ्ट के अंदर कोई नया अकाउंट नहीं खुलता है, आपके करंट अकाउंट के ऊपर ही आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे यहां पे हमने देखा 2 लाख के ऊपर आपको 50,000 की एक्स्ट्रा लिमिट मिल गई। और दूसरा ऑप्शन हमने देखा सिक्योर्ड लोन का, इसके अंदर भी कोई सेपरेटली अकाउंट नहीं खुलता है, आपको आपकी FD के अगेंस्ट या LIC पॉलिसी या म्यूचुअल फंड, जो भी आपकी सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं पर्पज की। पर्पज हमने पहले भी देखा था कि ये खाली आपको परचेजिंग एंड कीपिंग इन्वेंटरी के लिए मिलता है, या तो आपको खाली वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर आपकी रिसीवेबल्स हैं, जो भी कस्टमर से अगर टाइम पे पैसा नहीं आया तो खाली उसके लिए आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का जो आप लोन है वो किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है या बिजनेस रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली इंडिविजुअल्स भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी FD है, LIC पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अगेंस्ट आप लोन लेके आप उस पैसे को कैसे भी इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वो वाले मेरे वीडियोस जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट की, कि कैश क्रेडिट में आपको कितना मैक्सिमम मिल जाता है पैसा। तो जितनी भी आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स होता है, मान लीजिए ये लेट्स है आपकी 4 लाख की इन्वेंट्री है प्लस 1 लाख के रिसीवेबल्स हैं, राइट, तो टोटल 5 लाख की वैल्यू है, तो इसको आपको 50 से 60% तक का लोन क्या कहें, इसको कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हो जाती है, CC लिमिट आपकी सैंक्शन हो जाती है। तो करीब करीब अगर हम ये 5 लाख की बात करें तो आपको 2.5 से 3 लाख की CC लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। ओवरड्राफ्ट में, सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट के केस में 60 से 85% ऑफ सिक्योरिटी वैल्यू का आपको लोन असाइन हो जाता है ओवरड्राफ्ट, राइट। जो हमने सिक्योरिटी के अगेंस्ट बात करी थी, तो अगर मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लें, अगर आपकी FD जो है वो लेट से 5 लाख की है, तो FD के केस में आपको 85% तक का लोन सैंक्शन हो जाता है, तो यहां पे हम कहेंगे कि 4.25 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा FD के अगेंस्ट। और उसी तरह अगर आप, हाँ, म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करेंगे, तो म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी वाले फंड्स होते हैं उसके अंदर लिमिट कम सैंक्शन होती है, उसके अंदर खाली 50% की ही लिमिट सैंक्शन होती है, तो आपकी करंट नेट एसेट वैल्यू जितनी होगी उसका खाली आपको 50% ही पैसा मिलेगा। फिर अगर हम अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट की बात करें, जो हमने करंट अकाउंट के ऊपर लिमिट की बात की थी, उसके अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बैंक अपने हिसाब से जैसी भी आपकी रिलेशनशिप है उसके हिसाब से आपकी लिमिट डिसाइड कर सकता है। अब हम टर्म की बात कर लेते हैं। कैश क्रेडिट आपको मैक्सिमम 1 साल तक के लिए लिमिट असाइन होती है, इसके बाद आपकी एनुअली वो रिवाइज भी करते रहते हैं।
ओवरड्राफ्ट आपको अप टू सिक्योरिटी टर्म मिल जाता है अगर सिक्योर्ड लोन की बात करें तो, जैसे हम एफडी की बात कर रहे थे, तो अगर आपकी एफडी लेट से 4 साल की बची हुई है राइट, तो आपको 4 साल के लिए लोन मिल जाएगा। और अनसिक्योर्ड लोन की अगर हम बात करें तो वो 1 वीक से लेके 1 मंथ तक की आपको लिमिट मिलती है, अनसिक्योर्ड जो हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं राइट। अब हम बात करते हैं विड्रॉल लिमिट में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो कितना आसान और कितना मुश्किल है। तो जैसे हमने यहां बात करी, अगर मान लीजिए आपकी 2.5 से 3 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट है तो क्या ये चेंज हो सकती है आसानी से? जी हाँ, अगर आपकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स चेंज होते हैं तो जैसे जैसे उनकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो ये आपकी कैश क्रेडिट लिमिट इमीडिएटली चेंज हो सकती है, इसमें कोई जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की हम बात करें तो वो एकदम से चेंज नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको एवरेज बैलेंस बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बिजनेसेस के लिए एकदम से आसान नहीं होता है। और सिक्योर्ड लोन के केस में भी आपकी जो वैल्यू है एफडी की वो सेम ही रहेगी, तो एकदम से आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट एकदम से चेंज नहीं हो पाती है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो कैश क्रेडिट के अंदर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम चार्ज होता है, क्योंकि आपके ये सिक्योर्ड लोन है राइट। ओवरड्राफ्ट के केस में अगर सिक्योर्ड लोन है, अगर आपने एफडी के या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लिया है तो आपका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लेकिन अगर आप करंट अकाउंट के ऊपर अपनी लिमिट ले रहे हैं ओवरड्राफ्ट की तो उसका इंटरेस्ट रेट हायर रहता है। इनफैक्ट दूसरे चार्जेस भी लग जाते हैं, कैश क्रेडिट में तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, खाली आपको इंटरेस्ट भरना होता है। लेकिन अनसिक्योर्ड अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करी है तो उसके अगेंस्ट काफी एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा देते हैं बैंक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ब्रॉडली मैंने सारे डिफरेंसेस कवर कर लिए हैं कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में। तो जब भी आपको रिसीवेबल्स के अगेंस्ट या आपकी इन्वेंट्री के अगेंस्ट कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप कैश क्रेडिट लीजिए। अदरवाइज आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है जो इन्वेंट्री या रिसीवेबल से रिलेटेड नहीं है, तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम टॉपिक्स शेयर कर सकूं वीडियोस के जरिए। तो आप मैक्सिमम कमेंट्स मुझे करके बताइए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। अब मैं हर रोज फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस चैनल पे शेयर करता हूं, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।